नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 3 जजों की बेंच में 2-1 के बहुमत से फैसला। साथ ही निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की कही बात। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन ईडी ने की पूछताछ। बेनामी संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर दर्ज किया बयान। पहले दिन करीब 9 घंटे तक आईटी ने की थी पूछताछ। यूकेसीआई कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के तेजी से बढ़ रहे मामले। भारत में भी 58 पहुंची कुल केसेस की संख्या। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 20 नए मामले। मोदी सरकार के लिए एक राहत की बात सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ इसे मंजूरी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है वो शर्तें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पेपर वर्क को सही ठहराया, साथ ही कहा कि जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलना सही है। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखा और निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की बात कही। इस परियोजना की घोषणा पिछले साल सितंबर में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है। इसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस परियोजना के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का अनुमान है। ये परियोजना ल्यूटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे दायरे में फैली हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नए संसद की आधारशिला रखी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जब तक अदालत इस पर कोई निर्णय नहीं देता, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग की टीम एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा के घर मंगलवार को पहुंची। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को भी लगातार 9 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी। आयकर विभाग की टीम बेनामी संपत्ति के मसले पर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आयकर विभाग की एक टीम मंगलवार को कांग्रेस के अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर बेनामी संपत्तियों के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए लगातार दूसरे दिन पहुंची। सोमवार को आईजी टीम ने 9 घंटे तक वाड्रा के बयान को रिकॉर्ड किया था। वाड्रा ने सोमवार को आईजी की पूछताछ को प्रतिशोध की राजनीति बताया और कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आएगी। आईजी विभाग के अलावा वाड्रा की भी परिवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है। 12 साल के लिए लंदन की संपत्ति ब्रांसन स्क्वायर 1.9 मिलियन की कीमत की संपत्ति खरीदने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का कहर भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना स्ट्रेन के 20 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले 58 तक पहुंच गए हैं और पुणे की लैब से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है कोविड स्ट्रेन का अपडेट। ब्रिटेन से आए नए कोरोना स्ट्रेन ने अब भारत में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक और कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार सुबह जारी की गई आंकड़ों के हिसाब से भारत में 20 अन्य लोगों को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है और इसी के साथ इस स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 58 हो गई है। अभी तक केवल यूके से लौटे यात्रियों या उनके संपर्क में आए लोगों को ही इससे संक्रमित पाया गया है और लोकल ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित पाए गए सभी मरीज सबसे अलग आइसोलेशन में है। नए स्ट्रेन के जो मामले सामने आए हैं उनमें से सबसे अधिक 25 की पुष्टि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हुई है। आज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में 11 CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में और 10 मामलों को बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज में रजिस्टर किया गया है। हैदराबाद में सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसे 3 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स में 1 मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले 29 दिसंबर को यूके से लौटे 6 यात्रियों को नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद 30 दिसंबर को 14 लोगों को और 31 दिसंबर को 5 लोगों को भी नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया। 1 जनवरी को 4 और लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। वहीं रविवार को 9 लोगों को संक्रमित पाया गया और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 38 हो गई थी। कोरोना स्ट्रेन के फैलने की वजह से ब्रिटेन में फिर लॉकडाउन लगा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस महामारी के चलते फरवरी माह के मध्य तक एक नया लॉकडाउन लगा दिया है और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर आदि देशों में सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये पाइपलाइन 3,000 करोड़ रुपए की लागत के बाद बनाया गया है और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये जो पाइपलाइन है ये पूरे देश को एक स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें कर्नाटक, केरल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस पूरी पाइपलाइन की लंबाई करीब 450 किलोमीटर है, जिससे कई जिलों को सीधे लाभ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि आज देश में वन नेशन वन गैस सिलेंडर पर काम हो रहा है। गैस इकोनॉमी खड़ा करना आज की जरूरत है। पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मानवीय घंटे का रोजगार बना। पाइपलाइन बनने के बाद भी अब रोजगार के क्षेत्र में फायदा मिलेगा। पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैनडेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब यह पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। ये पाइपलाइन जिन जिलों से गुजरेगी वहां व्यवसायिक और औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपभोग से वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस पाइपलाइन का निर्माण गेल द्वारा किया गया है,
इसके जरिए पीएनजी सीएनजी सेक्टर को सीधा लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बॉर्डर्स पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कई परेशानियां भी देखनी पड़ रही है। सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड ज्यादा ही बढ़ गई है और इससे लंगर की सेवा पर भी बहुत सारा असर देखने को मिला है, लेकिन किसानों ने इसका भी हल निकाल लिया है। देखें पूरी रिपोर्ट और जानें कैसे हल निकाला है। बीती रात हुई बारिश के बाद सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए परेशानी खड़ी। बारिश की वजह से सिंघू बॉर्डर पर लंगर में खाना बनाने वाले लोगों की समस्या बढ़ गई है। हालांकि बारिश से बचने के लिए तिरपाल और वाटरप्रूफ टेंट का भी बंदोबस्त जगह जगह पर किया गया, फिर भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह अच्छी धूप निकलने के बाद शाम होते होते एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और बारिश की तेज बूंदे पड़ने लगी। लोग एक बार फिर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। बारिश से बचने के लिए कोई तिरपाल से ढके अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा दिखा तो कोई ठंड से बचने के लिए रजाई में दुबका हुआ दिखा, लेकिन बारिश के बीच लंगर की व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। इन सब के बीच लंगर की व्यवस्था को संभालते कुछ किसानों ने इस बात का ध्यान रखा कि खाना सबके ट्रैक्टर ट्रॉली तंबू टेंट जहां जो कोई ठहरा है वहां तक पहुंचाया जाए। बकायदा लाउडस्पीकर पर ये भी कहा जा रहा था कि कोई भी किसान भाई भूखा ना सोए, खाना सबके पास पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। फिलहाल आईएनएस न्यूज़ प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।